तो ये मिट्टी है और ये मिट्टी ने न जाने अब तक कितने मासूम लोगों का जान ले लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। और अभी हम मोतीपुर थाना क्षेत्र के मुरसंडी गांव में हैं, संदेश कुमार के दरवाजे पर हैं। और अभी संदेश कुमार इस दुनिया में नहीं है, नहीं होने के पीछे की जो कारण है तो ये मिट्टी है। अब मिट्टी क्यों है? क्योंकि मिट्टी की लेन देन जो है अक्सर लोग करते हैं, और मिट्टी के लेन देन में पैसों का लेन देन होता है, और पैसों के लेन देन में लोगों की हत्याएं भी हो जाती हैं। तो पैसे के लेन देन में हत्याएं कैसे हुई, इस पूरी घटना को हम विस्तार पूर्वक अपने दर्शकों को और जिला पुलिस प्रशासन को और मोतीपुर थाने को बताने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं। सवाल बनता यह है, संदेश कुमार जो है अपनी एक जमीन को बेचकर और कहीं सुविधाजनक जमीन जो है मुख्य रोड पर एनएच पर लेने के लिए किसी भी बीच के कमीशन एजेंट भी बोलते हैं, और वैसे लोगों का संपर्क में आए जो झुन्नू ठाकुर नाम से इसी गांव के रहने वाले लोग हैं, और लगभग 20 लाख रुपया जो है उस जमीन का उन्होंने दे भी दिया था। और इतना ही नहीं, इसके बावजूद भी जमीन का निबंधन जो है कराने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, और छोटे छोटे रकम की और मांग कर रहे थे। इसी दरमियान शनिवार के दिन जो है रात को उनको फोन आया कि आपकी जमीन का हम लोग रसीद कटवा दिए हैं, और आइए थोड़ा सा हिसाब किताब जो है उसको आप समझ लीजिए। और संदेश कुमार जो है जमीन के बारे में किसी को नहीं बता रहे थे, क्योंकि आजकल देहात में लोग सोचता है कि फलानवा के जमीन हम खरीद रहे हैं, चिलानवा जान जाए तो वो चढ़ जाएगा। इसके कारण लोग जमीन के बारे में जल्दी किसी को बताता भी नहीं है कि हम किसकी जमीन को खरीद रहे हैं और कौन बेचने वाला है, और इसी में मामला जो है फंस जाता है। आखिर लोग जो है जान नहीं पाता कि किसकी जमीन कौन खरीदा, और बेईमानी करने वाला बेईमान भी इसी का फायदा उठा लेते हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार संदेश कुमार को देखा गया, और यहाँ से उनकी पत्नी का बयान यह है कि जुन्नू ठाकुर फोन किए और शनिवार को वो मुजफ्फरपुर से अपनी पत्नी को दवा करा कर लाकर घर छोड़ दिए, और उसके बाद से 8 बजे तक वो पंसलवा में थे, और 8 बजे के बाद वो किस दिशा में गए इसकी जानकारी किसी को नहीं मिली। लेकिन 11 बजे पुलिस के द्वारा जो है इनके परिजन को खबर दिया गया कि संदेश राम की हत्या हो चुकी है, जुन्नू ठाकुर के माध्यम से ही 20 लाख रुपया आप लोगों ने दिया जी। पैसा किसके पास गया ये जानकारी है? पिंकी कुमारी है, उसके जीजा ले रहे थे। पिंकी कुमारी के जीजा ले रहे थे। जमीन किसका आप लोग लिखवा रहे थे? राजेश के भावो लगेगी, उसी के नाम पर जमीन था जी। पिंकी कुमारी उसी के जमीन उसके जीजा ले रहे थे। अच्छा, तो जमीन वो लिख दिया था कि नहीं लिखा? नहीं, आज कल शनिवार को बताया कि चालान कटा है, कागज देख लेने के लिए कि चालान कटवा दिए हैं। अच्छा, वो इसीलिए बुलाया हुआ था कंसलवा। क्या आपको किसी पर शक भी है कि इन लोगों ने हत्या किया होगा? और झुन्नू ठाकुर बुला के ले गया हुआ था, फोन किया हुआ था, उसके जीजा का भी फोन आया हुआ, थाना में है, मेरा मोबाइल है उनका, उस पर कॉल है झुन्नू ठाकुर का, पिंकी के जीजा का कॉल है। यानी आपको किसी पर शक है किसने हत्या किया है? झुन्नू ठाकुर ले गया तो झुन्नू ठाकुर को ही ना शक होगा हमको। क्या नाम हुआ? रंजना भारती है। पति? संदेश कुमार। आप तो संदेश राम की बड़ी भाभी हैं जी, क्या कहेंगे घटना पर? किस तरह किसी पर शक भी है कि झुन्नू ठाकुर मारे हैं, टुटू मारे हैं, सियाराम ठाकुर के बेटा, महेश ठाकुर के बेटा, ये लोग मारे हैं? हाँ, मारे हैं वही लोग। तो ये आप कैसे कंफर्म कर रहे हैं कि यही लोग मारे हैं? हाँ, वही लोग मारे हैं, दूसरे आदमी नहीं मारे हैं। मारा है कि हत्या किया है? हत्या किया है, गोली से मारे हैं। गोली से मारा है? हाँ, गोली मारा है, हाथ में गोली का बुलाया है, मारा है गोली, फोन करके बुला के मारा। हाँ, वो साथ ही गए बैठ के, मोटरसाइकिल मारने का क्या कारण है? जमीन के बारे में मारे हैं। तो जमीन के तो पैसा आप लोग दे दिए थे ना? ये बोले हैं लिखने के लिए। अच्छा, तो 20 लाख रुपया दे दिए तो फिर मामला कहाँ फंस गया? ये बोले हैं से हमको चलिए लिख दीजिएगा। हाँ। लिखवा दीजिए जमीन। हाँ। तो बोले हैं से ठीक है, चलिए हम अथी करा देते हैं। हाँ। तब वो में जाके कथी हुआ कथी नहीं से उसका बहुत मैटर है। क्या नाम हुआ आपका?
सुनीता देवी। आप कौन है संदेश राम? भाभी। सगी भाभी? बड़ी भाभी। पति? अवधेश राम। और आप लोग यहाँ पहुँचे और वैसे स्थिति में जो है कि दम तोड़ दिए, और परिजनों का कहना में है कि इसी गांव के जो लोग हैं वो लोग हत्या में शामिल हैं। उनके बयान को तो हम आपको, उनके पत्नी के बयान को तो हम आपको सुना ही रहे हैं। फिलहाल जो यहाँ का स्थानीय लोग हैं दरवाजे पर, और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा, हत्यारा को क्या होना चाहिए? हत्या की सजाए होना चाहिए सर। हत्या का सजा होना? जी, हत्या का सजाए होना चाहिए, फांसी पड़ना चाहिए। जैसे उसका साथ घटना हुआ है वैसे घटना होना चाहिए। क्या नाम हुआ? हमरा कांति देवी। कौन है आप? मेरे बहन। बहन है जी। तो मृतक की बहन का कहना यह है कि हत्यारे को फांसी होना चाहिए। क्या कहिएगा? फांसी होना चाहिए उसका। फांसी होना चाहिए। कितने लोग थे मारने में? बोलिए ना। तीन आदमी थे। तीन आदमी मारने वाले में क्या क्या नाम है? टूटू है, जुनू ठाकुर, टूटू ठाकुर है, और उसका एक जीजा है। ठाकुर मतलब कौन से? बिहार है। अच्छा। 20 लाख रुपया जब ले लिए तो बोले जे नहीं, पैसा के टपला खिला रहे, जो इसको पैसा के पैसा ले ले, उसको बस जान खत्म कर देंगे, बस पूरा मिट्टी में मिल जाएंगे। पूरा मिट्टी में मिल जाएंगे। तो हमको इंसाफ चाहिए, हमको क्या चाहिए? सरिता देवी। नहीं मिलेगा इंसाफ तो क्या कीजिएगा आप लोग? क्या कीजिएगा? इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या कीजिएगा? इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या कीजिएगा? इंसाफ मिलने क्या कीजिएगा? इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या कीजिएगा? इंसाफ हमें और आगे तक बढ़ना होगा। और आगे तक बढ़ना होगा, और आगे कुछ सोचना होगा कि क्या हमें चाहिए नहीं चाहिए, वो तो हमें दिखाना ही पड़ेगा ना। आप कौन है मृतक? हमारे अंकल जी हैं। आपके अंकल जी हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? नीतू कुमारी। नीतू कुमारी। तो परिजनों का और सहयोगियों का कहना यह है कि यदि हमें इंसाफ नहीं मिला तो हमको जहां तक जाना होगा इंसाफ के दरवाजे हम जाएंगे। और यह जो है मृतक के पिता हुए हैं, आवाज नहीं निकल रहा है, मातम सा छाया हुआ है। मुखिया जी, आपके पंचायत में बीते शनिवार के दिन जो है एक हत्या हो गई संदेश कुमार की, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ये तो निर्मम हत्या हुआ है और हमको पता चला लगभग 11 बजे रात के, तो हम भी गए वहाँ मेडिकल। मेडिकल में फिर वो लोग को रात में लगभग 4 बजे तक उनके साथ रहे और कल उनका डेथ कर गए। तो हमारा तो प्रशासन से यही मांग रहेगा कि उनको न्याय मिलना चाहिए, जो जो दोषी है उनको सजा मिलना चाहिए। अब ये तो वो लोग बता रहे हैं, उनके घर परिवार के लोग हैं, बोले भूमि का ही पैसा वैसा कहीं किसी को दिए हुए थे, बता रहे हैं कि कोई ठाकुर परिवार के लोग हैं। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मेरा मांग है कि प्रशासन उनको न्याय दिलाए, जो दोषी है उनको सजा मिले। पवन कुमार, ग्राम पंचायत राजमुरसंडी, खियापति। मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जिला पुलिस प्रशासन और बिहार प्रशासन तक यह मामला जाए कि किसी भी दलित की हत्या हो रही है, और हत्या इसलिए हो रही है क्योंकि उनको कमजोर समझा जा रहा है। और कमजोरी का पहचान तो आप देख सकते हैं हमारे सामने, चारों तरफ झोपड़ी झोपड़ी है। लेकिन सवाल बनता यह है कि क्या इस दलित को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह हमारे और कानून के हाथ में होती है। कि मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप जो है इस खबर को कमेंट जरूर करें, आखिर कब तक ये हत्याएं होती रहेंगी और कब तक जो है महिलाओं की मांग सुनी होती रहेंगी, और दबंगों के अंदर जो है पुलिस का डर नहीं है, कानून व्यवस्था का डर नहीं है, इसका आखिर जिम्मेवार कौन है? घोसले के माने अभी तक अभी प्रशासन नहीं आया है, घूस लेके हत्या करवाए हैं। कौन हत्या करवाए हैं? हत्या करवाए जो पैसा लिए हुए ना, वो हत्या करवा है जमीन के वास्ते में, वो हत्या करवा के घूस लेके प्रशासन अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया प्रशासन अभी तक नहीं आया? क्यों नहीं आया? घूस लिया हुआ ना, पैसा लिया हुआ है, चलते नहीं आया है वो पैसा लिया है। हाँ, इस चलते नहीं आया हुआ है। हाँ, आपका नरेश राम पानापुर। पानापुर, नरेश राम पानापुर है। क्योंकि और खबर को अधिक से अधिक लाइक करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग, जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।